तो यह वोटर आईडी कार्ड का फोटोशॉप एक्शन उन लोगों के लिए है जो कि यहाँ पर देख रहे होंगे स्क्रीन पे, यहाँ पर देखा रहता है कि यहाँ से जो डाउनलोड करते हैं, यहाँ पर लिखा है फोर सबमिशन छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, मिजोरम, राजस्थान, तेलंगाना एंड उत्तराखंड। जो यहाँ से डाउनलोड करते हैं, यहाँ पर क्लिक करके इस फोल्डर पर जाकर करते हैं, ये उन लोगों के लिए फोटोशॉप एक्शन है। ये वाला अगर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर पहले से लिख भी दिया है कि यह किन राज्यों में काम करेगा, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है। हालांकि अदर जो ऑल इंडिया के लिए इसके अलावा जो एक्शन चाहिए उनके लिए चाहिए, तो यहाँ पर सिंपली क्लिक करके मतलब कहने का ये है इस लिंक से जाके यहाँ से देख सकते हो। तो इसमें देखिए दोनों काम करेंगे, ये जो नए वाले बन रहे हैं वो भी काम करेंगे, जो पुराने वाले आते हैं वो भी काम करेंगे। ये इनसे अलग है, मतलब इसके लिए भी एक्शन है, लेकिन जिन लोगों का यहाँ से आप देखेंगे, जिन लोगों का यहाँ से इस पोर्टल से डाउनलोड हो रहा है, यहाँ से जो लिखा रहता है यहाँ से ये कि अलग से ये राज्य हैं, इन लोगों के लिए केवल ये एक्शन है जो हम यहाँ से इस वीडियो में आपको दिखा रहे हैं। पुराने एक्शन हैं जो मतलब जैसे ये वाले थे, इस तरह के कार्ड थे, इस तरह के कार्ड थे, इस तरह के लिए हम पहले ही वीडियो बना चुके हैं। सीधे कहने का मतलब ये है कि जो इस पोर्टल पर जाके यहाँ पे क्लिक करके जो डाउनलोड करते हैं यहाँ से, उन लोगों के लिए एक्शन है, और बाकी जो नॉर्मल यहाँ से ही डाउनलोड करते हैं यहाँ से सिंपली, तो उन लोगों के लिए एक्शन पहले ही है। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये हमारे पास फोटोशॉप में 5 कार्ड हैं, आप चाहें तो अच्छा इसमें हमने बढ़िया तरीके से ये भी डिजाइन किया हुआ है कि पीवीसी कार्ड की जो साइज रहती है बिल्कुल फिक्स उसी साइज में डिजाइन किया हुआ है। तो आप चाहें इसको लेमिनेशन कर लें, चाहे मिरर मोड में निकाल के पीवीसी बना लें, कोई इशू नहीं आएगा, दोनों प्रकार से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर एक क्लिक करते हैं, यहाँ पर क्लिक करते हैं, और आप देखेंगे कि आपके जो कार्ड होंगे वो बढ़िया तरीके से यहाँ पर 5 कार्ड सेट हो जाएंगे। आप चाहें तो इसको पीवीसी भी बना सकते हैं और चाहें तो लेमिनेशन करके भी दे सकते हैं। इसमें थोड़ा सा एक प्रॉब्लम हो सकती है पीवीसी बनाने में, क्योंकि स्पेस बहुत कम रहता है, कागज़ ही उतना रहता है, तो हम क्या करें, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा ये समस्या आ सकती है, लेकिन ये इसको बना जरूर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखेंगे कोई एरर नहीं आएगा, ना कहीं से कटेगा ना कुछ, बढ़िया फुल बॉर्डर के साथ आएगा। मतलब जो बॉर्डर हमने अलग से नहीं लगाया, जो उसमें पहले से लगाया था बॉर्डर, वही बॉर्डर लगा होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये आप सेट कर पाएंगे। चलिए अब हम आगे की प्रोसेस देखते हैं, इसको डाउनलोड कहाँ से करना है। तो जैसे हमने बताया लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर लिंक से आपको क्लिक नहीं करना है तो फिर आप ये काम कीजिए, हम आपको दिखाते हैं। लिंक से आपको नहीं करना तो पहले हम इसको बंद कर देते हैं, और इसको भी बंद कर देते हैं, एक नया टैब ओपन करते हैं, और यहाँ पे सिंपली आपको लिखना है tucom.in, ये वेबसाइट का नाम है, इसको आपको यहाँ से सर्च करना है, इस वेबसाइट को लेकर। जैसे यहाँ पर आप सर्च करेंगे तो आपके सामने इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी, और आप नीचे आप देखते आएंगे अगर, तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर ये यह आपको मिल जाएगा, ये क्लिक 5 वोटर आईडी, और यहाँ पर लिखा भी है कि किन किन राज्यों के लिए काम करना है। ठीक है, इस पर सिंपली हम क्लिक कर देंगे, नहीं मिलता है यहाँ पर वोटर के नाम से सर्च कीजिए, सारे आ जाएंगे। इस पर मैं जैसे क्लिक किया, थोड़ा सा अगर कुछ ऐड आता है तो उसको कैंसिल करेंगे, फिर हम नीचे की तरफ चले जाएंगे, यहाँ पर सारी चीज़ें देख लीजिए क्या ऐसे ही कार्ड है, क्योंकि अगर ऐसा कार्ड नहीं है तो फिर उसके लिए जैसे इस तरह के हैं, जैसे मान के चलते हैं यहाँ पर और कोई अन्य प्रकार के हैं, तो आप उस पर जाके क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप नीचे आ जाएंगे, और यहाँ पर थोड़ा सा आएंगे तो यहाँ पर आपको डाउनलोड करना है, 21 रुपये का 1 टाइम चार्ज है, आप जितने चाहे फिर कार्ड प्रिंट कीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं, केवल एक बार एक्शन के लिए 21 रुपये का चार्ज है। पे एंड डाउनलोड एक्शन पे आप क्लिक करेंगे, जैसे यहाँ पर पे एंड डाउनलोड पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर डाउनलोड का जो प्रोसेस आ जाएगा। ध्यान देना है इस चीज़ को कि यहाँ पर जो आप पेमेंट कर रहे हैं ना, टूकम का जो लोगो दिख रहा है, टूकम के लिए आपको यहाँ से पे करना है। यहाँ पर देख सकते हैं 5 न्यू वोटर आईडी कार्ड फोटोशॉप एक्शन 21 रुपये में। यहाँ पर आपका अपना मोबाइल नंबर देना है, फॉर एग्जांपल के लिए जैसे हमने ये दिया, ठीक है, ये अपना हेल्पलाइन नंबर है, अगर ये डाउनलोड ना हो आपका पैसा कट जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप हमें व्हाट्सअप कीजिए, स्लिप कीजिए स्क्रीनशॉट, उस पर भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये तो इस तरह से एग्जाम्पल के लिए हम एक ईमेल आईडी डाल लेते हैं। ठीक है, और हमने जैसे कि बताया व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ से आप संपर्क कर सकते हैं अगर नया, और यहाँ पर अपना नाम डाल दीजिए। ठीक है, जो अपना नाम है वो नाम डाल दीजिए, और फिर हम यहाँ पर सिंपली पे नाउ पे क्लिक करेंगे। पे नाउ पर हम जैसे क्लिक करेंगे तो रिडायरेक्ट हो जाएंगे डाउनलोड करने वाले ऑप्शन पे। तो यहाँ से जो हमें डाउनलोड करना है, देखिए आपके पास कितने सारे ऑप्शन हैं डाउनलोड करने के लिए, यहाँ से सिंपली आप यूपीआई पहला वाला ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए, यूपीआई, और यूपीआई पे जाने के बाद में यहाँ पर लिखा जनरेट क्यूआर, इसको आप जनरेट क्यूआर कर दीजिए। अब आप फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, भीम, अमेज़ॉन, किसी से भी पे कर दीजिए, आपका एक्शन डाउनलोड हो जाएगा। नहीं होता है तो मैंने आपको पहले बताया, हमने हेल्पलाइन के लिए नंबर दिया था, वहाँ से आप व्हाट्सअप कीजिए, आपको एक्शन मिल जाएगा। चलिए वापस से हम फोटोशॉप में आते हैं, और यहाँ पे जो है ना क्या बोलते हैं इसको, हम अभी विंडो बताते हैं कैसे ओपन करते हैं।
जब आप फोटोशॉप ओपन कर लेते हैं तो एक्शन का विंडो लाने के लिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे यहाँ पर लिखा है एक विंडो, ऊपर एक ऑप्शन आ रहा है विंडो, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। जैसे हम वहाँ पर क्लिक कर देंगे थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पर लिखा है एक्शंस, एक्शंस पे हम एक बार क्लिक कर देंगे। एक्शंस पे हम जैसे क्लिक कर देंगे तो हमारे सामने एक्शंस का एक छोटा सा विंडो आएगा। हमारे पास बहुत सारे एक्शन है इसीलिए ऐसा दिख रहा है, आपके पास छोटा सा विंडो आएगा, यहाँ पर एक्शन लिखा होगा, इसी विंडो में हमें ये सारे चीज को चलाना है। तो एक्शन लोड करने के लिए क्या करेंगे, ये आपके पास विंडो तो आ गया, ठीक है ये विंडो आ गया, हम क्या करेंगे, हमारे पास जहाँ एक्शन हमने डाउनलोड किया था, जैसे मान के चलते हमारे पास ये डाउनलोड हमने कर लिया है एक्शन, तो इसको उठा कर लाएंगे और फोटोशॉप में ला के यहाँ पर एक्शन का विंडो था यहाँ पर ला के छोड़ देंगे। तो अब देखेंगे कि हमारे सामने ये जो एक्शन है एक पहले से था ये वाला और एक ये हो गया। अभी अगर आपके पास एक्शन आपने लोड किया और इस तरह से ओपन हो कि नीचे कुछ दिखे ही ना, ऐसा अगर आपके पास दिखे तो आपको ध्यान रखना है ये जो एरो है ना, एरो इस पर आपको क्लिक कर देना है और फिर थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे या इसके माध्यम से उसको नीचे खिसकाएंगे तो यहाँ पर ये ऑप्शन आ जाएगा प्रिंट टू कम डॉट इन 5 न्यू वोटर ID, इस पर हमें क्लिक करना है और फिर जो प्ले का बटन है इस पर हमें क्लिक कर देना है। कार्ड ओपन करने के बाद में आप जितना चाहे कार्ड ओपन कर लीजिए, 2, 4, 5, जैसे मान के चलते हैं हम कार्ड ओपन कर लेते हैं, ये डेमो फाइल हमने बना के रखा हुआ है फोटो हाइड करके, ये देखिए मान के चलते हैं हमने ये देखिए ये है ना, हमने यहाँ से 5 कार्ड ओपन कर लिए, ठीक है, ओ गलती हो गया, ये 5 कार्ड ओपन हो गया और हम इसको जो हमने कहा था ना यहाँ पे क्लिक करेंगे, जो प्रिंट टू कम्प्लीट और ये प्ले का बटन है इस पर हम क्लिक कर देंगे, तो जो हमारे कार्ड हैं वो कुछ ही सेकंड में 5 कार्ड हैं वो सेट हो जाएंगे। ये देखिए एक्शन का अपना काम कर रहा है, हमें कुछ भी नहीं करना, केवल हम एक क्लिक करेंगे, बढ़िया साइज एक जैसा सेटिंग, ना कोई छोटा ना कोई बड़ा, बढ़िया तरीके से सेट हो जाएगा और आपके 5 कार्ड बढ़िया तरीके से सेट हो जाएंगे। आपका टाइम भी बचेगा, मेहनत भी बचेगा, सब कुछ ये देखिए बढ़िया तरीके से। और इसको आप चाहें तो ड्रैगन सीट पर निकालिए मिरर मोड में, या फिर आप चाहें तो लेमिनेशन करके दीजिए, कोई झंझट नहीं रहेगा। जैसे कि देखिए अगर आपको मिरर मोड कैसे बनाती है देख लीजिए, जैसे आप यहाँ पर फाइल पर जाते हैं और फिर आप प्रिंट पर जाते हैं, प्रोसीड करते हैं, आपके पास जो प्रिंटर है फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एप्सन का है, तो जो प्रॉपर्टीज़ रहती है इस पर जाते हैं, प्रॉपर्टीज जैसे ओपन आता है यहाँ से आपको जो पेज लेना है आप वो पेज लीजिए। अब अगर आप ड्रैगन सीट पर निकालना है तो आप यहाँ पर एप्सन मेटे ले लीजिए, हाई कर लीजिए, और फिर यहाँ पर जो एक ऑप्शन रहता है मोर ऑप्शन का, इस पर हम क्लिक करेंगे। मोर ऑप्शन पर हम जैसे क्लिक करेंगे फिर यहाँ पर एक और ऑप्शन आता है मिरर मोड का, इस मिरर इमेज पर हम क्लिक कर देंगे, और अगर आपको बहुत अच्छी क्वालिटी में चाहिए तो इस हाई चेक को बंद कर दीजिए। फिर यहाँ पर देखिए मिरर मोड मिरर इमेज है, इसको आप चेक करके रहने दीजिए और फिर आपको सिंपली ओके कर देना है, फिर आपको उसको प्रिंट कर देना है, तो आपका जो होगा मिरर मोड में आएगा और फिर उसको आप ड्रैगन सीट पे निकाल सकते हैं। इस तरह से आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, इस तरह से ये वोटर आईडी कार्ड के 5 वोटर ID कार्ड के लिए एक्सेल को डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे हमने बताया कि अगर आप इन राज्यों से नहीं हैं, मतलब कहने का ये है जो हमने यहाँ पर आपको दिखाया था, यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर जो दिखाया था आपको कि अगर आप इन राज्यों के अलावा हैं तो फिर उसके लिए अलग एक्शन रहेगा, उसके लिए एक्शन कहाँ रहेगा देखिए, उसके लिए एक्शन आपके लिए यहाँ कहीं मिलेगा, यहाँ सर्च कीजिए वोटर आईडी और इसको है ना आप सर्च कर देना है वोटर लिख के, तो हम देखेंगे एक तो ये नया वाला है और एक ये भी नया वाला है, ये देखिए नया वाला एक कार्ड के लिए ये रहा, और इसी के नीचे हमें ये मिल जाएंगे, ये जो अगर अन्य मतलब राज्यों से उनके अलावा, तो यहाँ से आप ये डाउनलोड कर सकती हैं, ये वाला काम कर जाएगा। तो इस तरह से आप ये है ना एक्शन को यूज़ कर सकते हैं, एक्शन को आप उपयोग में ला सकते हैं।